भाग्य वाह, तुमने ना क्या गेम खेला है। जी हाँ दर्शकों, खेला खेला जा रहा है और बहुत स्ट्रांग तरीके से खेला जा रहा है। तो आज इस खेले का ना बहुत अच्छे से गेम बजाएंगे। काश कि बहुत ही ज़रूरी हो गया। मतलब भैया मूर्ख बना के रखा है हैं। मतलब यूँ तो वही होई गवा कि तुम्हारी आँखन में हम धूल झोंक कर निकल जाएंगे, पर भाई साहब ना ये हो नहीं सकता। हमरे सबके होते हुए तुम जो करना चाह रहे हो दर्शकों के साथ, वो हो नहीं सकता। चलिए थोड़ा सा 2-3 दिन पीछे जाते हैं। बग्गा का वीडियो आया था, मैंने और मम्मी ने अलग कर लिया अपना किचन। मेरी वजह से मम्मी को करना पड़ रहा है ये सब। और ये ज़्यादा दिन की पुरानी बात नहीं है, मात्र 3 दिन पहले। और आज आज अपना बग्गा क्या कर रहा है दर्शकों? जी हाँ, मैं आपको बता रही हूँ कि आज अपना बग्गा क्या कर रहा है। नीचे वाले घर में लगी फिर से रौनक। अच्छा, 3 दिन पहले किचन अलग हो गया और आज नीचे वाले घर में लगी फिर से रौनक। मम्मी की बात का बुरा मत मानो। हैं, वैसे तो मम्मी की बात को कौन बुरा मान रहा है? बग्गे ने यहाँ पर जो बड़ा बड़ा लेक्चर दिया है वो वैसे किसके लिए दिया है आप सबको पता है। मम्मी ने कुछ दिन पहले परेतिन से बोल दिया था ना, नीचे आवा ना करो, ऊपर रह जावा करो, खलारा पड़ जाता है फलाना धमाका। और वैसे मम्मी की जगह मामे लिख देती हूँ तो छोटकन्नी भले मान जाते हैं कि बग्गा सिट के जो मामी है उनकी बातों का बुरा ना मानो। कहा कि हमारे जिज्जी जो रिसियान है, हैं तो रिसियान तो वही वजह से जो खाना वाली बात बग्गे के मुंह से निकल गई थी। चलो फिर आज का जो रंगारंग कार्यक्रम है इसमें बग्गे के बदलते रंगों पे थोड़ा सा प्रकाश डालना बेहद ज़रूरी है। वैसे ये सब मिलके बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं। जी हाँ, मिशन व्यूज़ इनका चल रहा है। व्यूज़ गिरे हुए हैं बिल्कुल इनकी सबकी हरकतों की तरह। और खासकर हमें छुटकन्नी जिज्जी की पल पल बदलती हरकतें, है ना, पल पल बदलते रंग। और इनका कंपेयर तो हमने गिरगिट से भी नीचे कोई अगर कुछ होगा तो उससे करना है, क्योंकि गिरगिट तो आप सबको पता है, मैंने कितनी बार बोला, ऋतुओं के अनुसार रंग बदलता है, मौसम के अनुसार रंग बदलता है। लेकिन हमारी जिज्जी तो पल पल रंग बदलने वालों में से है। और दैया दैया जिज्जी चप्पल उठा के मार रही भैया। ए जिज्जी चप्पल मारो या जूता, देखो जो सच है वो सच है, आप ही लोग बताओ दर्शकों सच है कि नहीं। खैर चलो शुरू करते हैं। तो बग्गा यूँ बताओ, पल पल में तुम किचन अलग करते हो और पल पल में तुम घर में नीचे रौनक लगाते हो, बेवकूफ़ समझे हो का? नहीं नहीं, तनिक से आज बता ही दे आज के ना। अब देखिए दर्शकों, सब कुछ समझ में आ चुका है। असल में इन सब ने मिल बैठ के एक प्लान किया है कि चलो, जैसे बच्चे बच्चे लोग होते हैं ना, घर घर खेलते हैं, तो उन्होंने कहा है कि चलो लड़ाई लड़ाई खेलते हैं और घड़ी में व्यूज़ बनाते हैं। और अब देखो वैसे भी रियल में ननंद भाभी का तो वो होता ही रिश्ता का कहलाता है। कभी एक नकली गमला प्लांट से अच्छा बॉन्ड हो जाता है, तो कभी छोटी सी बात में छुटकन्नी का मुंह सोच जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि छुटकन्नी वाकई में अपनी भाभी से बहुत प्यार दुलार करती है, पर यहाँ पर जो ये रिश्ता चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यापार है, इतना समझ लीजिए। ठीक है, अगर एक दूसरे की बढ़ाइयाँ भी करते हैं तो सिर्फ अपनी इमेज को चमकाने के लिए, अदरवाइज एक दूसरे को ये भाई देखना ही नहीं चाहते, फूटी आँख भी नहीं देखना चाहते हैं कि इनके सबके थोपड़े हम देखें। लेकिन वही चीज़ है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो फिर ये सारी चीज़ें क्रियाकलाप जो चल रहे हैं विगत कई दिनों से, जो हम नौटंकी ड्रामा देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए खेला जा रहा है। देखिए दर्शकों, अगर आप एकदम से किसी से नाराज हैं तो एकदम से अगर कोई क्विक डिसीजन लेंगे दूसरे दिन ना मान जाएंगे। और ये तभी पॉसिबल है जब आप ये सिर्फ व्यूज के लिए कर रहे हो गेम। तो ये कुंभावासी सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे से मन मुटाव, ये सिर्फ जानबूझ के हुए जा रहे हैं व्यूज को लेकर। आज घर में रौनक कैसे लगी थी उसके बारे में भी बात करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि चोई छुटकन्नी के दिल में बहुत प्यार है भाभी के लिए, कहीं ना कहीं खुन्नस है और चीज़ें उसको बुरी लगती हैं और वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। हालांकि वो बेस्ट ननद बनने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको अपने पति को और अपनी होने वाली एक्स ननद को दिखाना है कंचन को कि देखो मैं कितनी बेस्टम बेस्ट ननद हूँ। लेकिन ननद की असली सच्चाई आ गई है कि कितनी जहरीली ननद है बहन तू, इतना जहर भरा है बग्गी को लेकर कि का ही बताएं। विगत कई दिनों में हमने आपका जहर देखा है, खुद तुमने बग्गा बग्गी के लिए कॉमेंट्स करे
ये रिश्ता ऐसा नहीं वैसा, पूरे परिवार को लेकर व्यूज होते हैं। पर्टिकुलर एक जब किसी ने लिख दिया कि बग्गी की वजह से व्यूज आते हैं, तो भैयू बोला कि ना जी ना, पूरे परिवार का योगदान होता है व्यूज में है। फिर लोगों ने एग्जाम्पल दे दिया अंकुश अग्निहोत्री का, तब तो तुमने इल्ज़ाम लगाए थे, तुम्हारी बहन ने लगाए थे कि भाई ये व्यूज़ हमारी वजह से आ रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म का यूज़ करके हमारे नाम का खाता है। बग्गे ने भी बोला था अपने कागजी जीजा को कि तुम हमारी बहनों के नाम की खाते हो। फिर लोगों ने भर भर के जब सुनाया तो जिज्जी ने वो कमेंटर डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि जिज्जी के पास कोई तर्क बचा नहीं था, और एग्जाम्पल इतने आ गए थे कि भाई बगले झांकने लगेंगी हैं, ये तो भूल जाती हरकतें करके कहीं कर। लेकिन जनता को याद रहता है कि भाई साहब इन्होंने कब कहा टट्टी करी थी, है ना। फिर वही इनको सुंघाई दी जाती कि देख लो का हाल का नहीं। तो खैर वीडियो पे आते हैं, चालबाजी तो इनकी खुल ही जाएंगी। वीडियो पे इनकी ये है कि मम्मी जी कुकर की सीटी के साथ वीडियो की करती हैं शुरुआत चूल्हे में। वैसे देखे 2 दिन पहले हमने देखा था चूल्हा कोई और भी जलाया था, जीजी को हुक्म दिया था सिड ने कि मम्मा चूल्हा जलाओ, मम्मा चूल्हा जलाओ। तो हमारे जीजी ने बच्चे के कहने पर चूल्हा तो जला लिया था, लेकिन भाई देखिए उनसे ना चाय से ज़्यादा उस चूल्हे पे कुछ बन नहीं पाया। रोटी वोटी बनाने के लिए मम्मी जी ही आती हैं, तो आज मम्मी जी ने चूल्हे पे कुछ चीज़ें बनाई हैं और फुलके हमारी जीजी ने अंदर फुलाए। जैसे फुलके फुला रही थी वैसे उनका मुंह भी सोजा था। बात तो तय है दर्शकों, जब इनका मन होता है ना, तब ये खुश हो जाती हैं, और जब इनका मन कुछ वैसा हो जाता है तो ये भाई एकदम कद्दू जैसा मुंह लटका लेते हैं। इनका और कद्दू का रिश्ता नाता भी बहुत अच्छा है, क्योंकि विगत कई सालों से हमने देखा है कभी मीठा कद्दू, कभी सब्जी कद्दू, कभी छिलके वाला कद्दू, कभी कुचला वाला कद्दू, और नोना जीजा को खासकर बहुत ज़्यादा पसंद है बिना छिलके वाला कद्दू, है ना। तो कद्दू और कद्दू जैसे मुंह लटकाने वाले लोग इस घर में ज़्यादा हैं। पर चलो ठीक है, आज ये जो चीची बातें करने वाली हैं बग्गे के साथ मिलकर इन्होंने एक शुरुआत करी है। मतलब भाई साहब बग्गे का कैमरा चला रहे हैं, और जिज्जी एक सफाई भी दे रही थी कि विगत दिनों में इसने जो कहा है कि हमारा किचन अलग है तो ऐसा कुछ नहीं है। वाह जी वाह, जब तुम ससुर के नाती हो जब चाहे तो तुम ऐसे बयान दे दो हैं कि हमारा किचन अलग है, हमने अलग गृहस्थी बसा ली है, और जब तुम चाहे एक किचन कर लो। मतलब यार खुद में कुछ अपना वजन रखो, बातों का वजन है। कभी कुछ ऐसे बोलते रहोगे ना तो जनता जनार्दन तुम्हें ना अड़े हाथों से लेगी और तुम पे भरोसा तो कत्ता ही ना करेगी। हद तो दर्शकों भाई तब हो गई जब बग्गा भी भाई ये ज्ञान की बातें करने बैठ गया फल फूल को लेकर, कि भाई बग्गी ने वहां पे कॉल करा है। बग्गी कह रही थी कि भाई मम्मी को फूल वूल फल वूल काट वाट के दे दिया करना, मम्मी जो चाहेंगी। कभी कहती है अपने वीडियो में भी बग्गी बोल रही थी कि मैंने उनको कॉल करके कहा कि भाई वो कौन सी सेव वाली सब्जी बना देना, मम्मी को मेरी बहुत पसंद है। वहां से सास के लिए प्यार जता रही है, बग्गा सास को पानी पानी कर रहा है कि कैसा ये दोनों जो करतूती बहनें हैं इनकी बातें वहां तक ना पहुंचे, और मतलब जो चाह रहे हैं मम्मी जी ऊपर ना मम्मी जी को वहां तक ना ले जा पाए। तो दोनों बग्गा बग्गी मिलकर कर रहे हैं काम तमाम, ये छटकनी और बड़कनी का जो जहर है वो मम्मी के मन में ना फैले। बग्गी को लेकर कोशिशें पूरी हैं, अब नाकाम ना हो पाएंगी, क्योंकि बग्गा देखिए मम्मी और बग्गा का एक अलग बॉन्ड है, छुटकन्नी का बॉन्ड वहां तक लागू नहीं हो पाएगा, लड़का वाला बॉन्ड समझी। और वैसे भी बड़कन्नी जज्जी ने बताया कि छुटकन्नी मम्मी को ज्यादा प्यारी नहीं है, क्योंकि भाई पहले नंबर पे दीदी थी, लास्ट पे छोटा बग्गा था, बीच में मम्मी जी जज्जी को भूल ही गई, लास्ट वाले पहले वाले ज्यादा ध्यान, हमार दीदी बेचारी ऐसे उतरावा कनी। खैर चलो कोई बात नहीं। तो बग्गा फल काटते काटते ज्ञान की बातें कर रहा था अपनी बहनों की तरह, उसने सोचा आज ज्ञान की बातें मैं करूंगा, तुम दोनों में से कोई नहीं करेगा। तो माँ की बात को बुरा नहीं मानना चाहिए, माँ जो शब्द बोलती है कई बार हमें लगता है कि नहीं जी ये गलत है, पर वो माँ का बोल रहा होता है, एक्सपीरियंस बोल रहा होता है। तो बात तो तुम सवाने सही कह रहे हो बग्गा, है ना। कहा कहना कि एक माँ है अंकुश अग्निहोत्री की, उसने भी अपने बच्चे को बहुत समझाया था कि भैया ना 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 उस गली मत जा, वो गली सही नहीं है, पुल के उस पार जो गांव है वहाँ पे जो तू जाना चाह रहा है, घर बसाना चाह रहा है, वो सही चीज़ नहीं है। माँ का एक्सपीरियंस बोलता है ना इतने सालों का। अब माँ की एक आंख
देखो समझ जाती है कि भाई सामने वाले का लिफाफा के अंदर का है। तो माँ ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया था, लेकिन उस टाइम हमारे जिज्जा को प्यार का खुमार चढ़ा था तो उसमें कुछ हो ही नहीं पावा। तो बिल्कुल बाग्गा की बात से मैं बिल्कुल सहमति रखती हूँ कि माँ और बाप के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन उस टाइम जिस फ्लो में हम लोग होते हैं तो हमको यही लगता है कि ना जी यार, हम नए ज़माने के लोग हैं, हमारी मम्मियाँ पुराने ज़माने की बातें करती, पुराना एक्सपीरियंस बोलती रहती हैं, पर कहीं ना कहीं उनका डर होता है हमारी भलाई को लेकर, जो हम पर वो चिल्लाते हैं, चीखते हैं। लेकिन कुछ माँ ऐसी भी होती हैं जो जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलती हैं। अब एटीएम ओटीएम उनके लिए ज़रूरी होता है, तो भाई मम्मी का हर जगह एक्सपीरियंस सही नहीं बोला है इस मामले में। इन मम्मी की बात मैं कर रही हूँ जहाँ पे छुटकरनी का घर बसाने की बात आती है। घर के बड़े बुजुर्गों से लोग कुछ अलग ही उम्मीद करते हैं, मम्मी जी से भी हम लोग यही उम्मीद करते थे, लेकिन जब सुनने में आया कि मम्मी जी वहीं जाके सगुफा सुनाए हैं कि लाख लाख रुपया बिटवनी कमात है तो झुकेगा नहीं, झुकना तो महीन सबका पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें तो भाई मम्मी जी ने सही दिशा निर्देश नहीं दिया है। हालांकि बग्गा यहाँ पर खूब एग्जाम्पल दे रहा था कि माँ की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, फलान ढमाक, बचपन में माँ मेरे लिए कितना करती है, लड़का बीमार होता है तो माँ भी सोचती है, माँ ही काट कूट के देती है, इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं ही मम्मी जी के लिए फल फूल काट के दूँ, सब कोई काट के देता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं अपनी जो है मम्मी के लिए काट देता हूँ और सिर के लिए काट देता हूँ। परेतिन का झउआ तेरे मुंह धोए, परेतिन के लिए काहे नहीं काट देते हो। इसके अलावा दर्शकों, बग्गे ने एक चीज़ और कही थी कि भाई सब लोग हम मम्मी जी ऑन कैमरा दुपट्टा को बहुत याद कर रही हैं, आए हाय मम्मी जी, बहुरिया बिना रहा नहीं जा रहा है। बग्गे ने एक स्टेटमेंट पास किया है, बग्गे का कहना है कि मम्मी का जो सेवा सत्कार, मम्मी का टेक केयर जो है बहुत ही ज़्यादा बग्गी करती थी। जैसे मम्मी कुछ चाहती थी तो नई नई चीज़ें बना देती थी, मम्मी का कुछ खाने का मन तो तुरंत तैयार हो जाती थी। मम्मी भी ऑन कैमरा बोल रही थी कि ये एकदम चुलबुली थी, ऐसे वैसे इधर करती थी उधर करती थी। मम्मी जी ज़्यादा ना बोलो, घर में एक और चुलबुली है जो अक्सर बोल के बताती है कि मैं चुलबुली हूँ, नहीं नहीं मैं चुलबुली बनूंगी, एक हफ्ते में मैं चुलबुली बन जाऊंगी, लेकिन उसका चुलबुला बस बुलबुले बन के फूट जाता, चुलबुली कतई बन नहीं पाती है। तो मम्मी जी को बहुरिया की बहुत याद आ रही है, मतलब का ही बताएं, एक्सट्रीम लेवल पे बहुरिया को याद कर रही हैं। बग्गे ने इसी को मौका पाते हुए बोल दिया, चलो मम्मी फिर बग्गी को ले आते हैं। अरे बग्गे पगलाए गए हो का? मम्मी जी का बग्गी बहुरिया का मुंह देखना अच्छा नहीं होगा सावन में, काला सावन चल रहा है, पहला सावन है। मम्मी जी को तुम बरगलाओ ना थोड़ा सा, ठीक है। एक चीज़ और, हमारी जिज्जी को अब बुरी लगनी चाहिए, अब जब तुम लोग कंटेंट बना ही रहे अपने घर में लड़ाई झगड़न का, तो हम जिज्जी बता रहे हैं तुमको एक पॉइंट, तुम बोल दो यू हमको हर्ट हुआ है, जैसे लास्ट टाइम बग्गी के बोला गया शब्द हर्ट हुआ है, इस बार बग्गा का। बग्गा ने बोला कि मम्मी जी का टेक केयर बग्गी करती है, तो कहा हमारी जिज्जी नहीं करती है ना बेटे बग्गे, हैं ऐसा कैसे बोल सकते हो तुम, हमारी जिज्जी रिसी आ जाएगी, फिर से आग बबूला हो जाएगी, फिर से अपने टंडीलम चली जाएगी, और इस बार वो कह देगी हमने किचन कर लिया अलग। अब कंटेंट है कंटेंट खेलना है तो हम तुमको पॉइंट बता रहे हैं। बग्गे का ये कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हमको कि भाई सिर्फ बग्गे टेक केयर करती है, कहता हम लोग भी करते हैं लेकिन बग्गी ज़्यादा करती है, तो कैसे इतने दिन से बग्गी तो अभी एको साल नहीं हुआ है और हमारे इतना दिन से जिज्जी कर रही हो का तुमने ढबरिक तेरे मुंह दिया कि भाई साहब ना उका कारा धरा रही गवा, और जो काल की आई है छुकरिया उनका जो है योगदान बहुत हुई गवा। देखो दीदी तुम्हारे लिए सॉलिड पॉइंट जुड़ा है, लेकिन भाई ये चीज़ वाकई में अगर मजाक से हटके बात करें, अभी तो खैर मैं मजाक कर रही थी, पर वाकई में बग्गे को अकायो बोलना चाहिए ऑन कैमरा। भाई अगर तुम वाकई में इतने ज़्यादा एक दूसरे को करते हैं प्यार, हम एक दूसरे के लिए बेकरार, हम आदर्श फैमिली बनना चाह रहे हो, हम हैं कुनबा वासी बिल्कुल अलग बिल्कुल जुदा, तो इस प्रकार की वार्तालाप काहे करते हो, जानबूझ के ऐसी कड़िया तुम काहे जोड़ देते हो। अब ऑन कैमरा जो तुमने कहा है कि मम्मी की ज़्यादा टेक केयर कौन करता था, बग्गी, तो ये चीज़ देखो बग्गी को तो अच्छा लगेगा, प्रसन्न होगी, लेकिन हमारी छुटकरनी जिज्जी को, छुटकरनी जिज्जी के सपोर्टर्स को,
बहुत ज़्यादा मिर्ची लग सकती, ओह ओह मिर्ची, ओह ओह मिर्ची। तो भाई साहब वो मिर्ची लगेगी तो सपोर्टर्स उल्टी पुल्टी बातें भी करेंगे, हालांकि तुम हेल्ड फॉर रिव्यू में एक आध लड़ाई झगड़े वाले कमेंट्स रहने दोगे, बाकी तो तुम उनका टाटा बाय बाय गुड बाय कर दोगे, ये तो हमें भी पता है। लेकिन देखो ये कतई अच्छी बात नहीं है। ठीक है जो बातें वैसी हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन ये बात हमको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है बग्गा तुम्हार, कि हमार जज्जी मम्मी का टेक केयर नहीं करती है, बहुत अच्छे से करती है, बहुत अच्छे से करती आई है इतने दिनों में हैं। अब मम्मी जी का चाय बना के लाना, जब 3:30 बजे वाली ट्रेन पी पी होते ही मम्मी जी का इंतज़ार करना हुँ? तो भाई साहब अब ये वाली बात पे हमारे जीजू को बुरा लगना चाहिए, कंटेंट समझ रहे हो, क्योंकि इतने दिनों से इन लोगों ने कंटेंट ही तो बनाया है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को लेकर ही बात करी है लगातार बार बार हुँ? तो अब नीचे वाले ऊपर वाले जो कहानी है ना, अब ये सब ख़त्म हो गई है, फिर से रौनक आ गई, खुशियाँ आ गई हैं, लेकिन ये खुशियाँ कितने दिन रहेंगे ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि आपको पता है स्क्रिप्ट चेंज भी हो सकती है हैं। और एक लोगों का कमेंट मैं पढ़ना चाहूँगी, बग्गा जी आपकी सिस्टर के ब्लॉग देखे मैंने, उनकी बातों से लगा कि उनकी सास ननन ने उनका घर तोड़ा है। आय हाय, मतलब यार का ही बताएं हुँ? उनका घर तोड़ा है तो फिर उनको ये बात समझनी चाहिए कि उनको ऐसा कुछ मुंह से नहीं बोलना चाहिए कि दुपट्टा को बुरा लगे। आपकी सिस्टर को अपने ससुराल वालों को दिखाना चाहिए कि मामी लोग, अच्छा दिखानी चाहिए कि कमी आप लोगों में थी। बेचारे टर वाले कैसे कैसे पॉइंट बताते हैं कि आपकी सिस्टर को तो जानबूझ के करना चाहिए है ना, कि देखो कमी आप लोग में थी, मुझ में कमी नहीं थी, लेकिन यहाँ कमी इसकी नज़र आ रही है। आगे पढ़ते हैं, ससुरालों को दिखाना चाहिए कि कमी आप लोगों में ही थी जो आप मुझे नहीं निभा पाए, मैं अपने भाभी के साथ रह रही हूँ, अच्छे से निभा रही हूँ, दुपट्टा की एज कम है फिर भी बहुत समझदार है, आपकी सिस्टर लोगों के कहने को मौका नहीं दे रही है, कमी खुद उसके अंदर है, अपनी माँ को बातों में भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, दुपट्टा के आते ही सास के दिल में जगह बना ली, दोनों ने जोड़ी रमा ली सीता जैसी, दोनों की जोड़ी राम सीता जैसी। अरे टरो वालों, बग्गी को सीता और बग्गा को राम, आए हाय यू का करो, मतलब कंपेयर भी थोड़ा ढंग से करो, आज के ज़माने के लोग इंसान ही बन जाएं अच्छे से। सीता राम तो देखो हम किसी को नहीं कह सकते, 100 की सीधी बात, नक्को बकवास, चाहे हम किसी को पसंद करें या ना करें हुँ? भगवान दुश्मनों की नज़र से बचाए, वाह जी वाह। तो मैं अब यही कहना चाहूँगी कि ये तो भाई आपने सही बात ये बोली है कि बग्गी ने आके किस प्रकार से बॉन्ड बनाया, क्योंकि बग्गी सबका टेक केयर करती है और बग्गी को फ़र्क पड़ता है कि लोग उसके बारे में क्या राय रखते हैं, क्या उसके बारे में कमेंट करते हैं, चाहे वो सब्सक्राइबर्स हों चाहे इनके घर वाले हों। लेकिन हमारी जिज्जी इंडिपेंडेंट है, उसको कतई फ़र्क नहीं पड़ता है कि फलाने का बोल रहे धमाके का, उसको जो चीज़ नहीं पसंद है नहीं पसंद है, सेल्फ रिस्पेक्ट से वो का बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। विगत दिनों में उसने बताया तो था, और भाई ऐसे आए के इतना डिसीजन लिया था, एक दिन भी मैडम का डिसीजन नहीं चल पाया, टाँ टाँ फुस। मतलब अब आप ये मान लो कि आपके दिमाग में भूसा है जो कि सुलग चुका है और उससे आग उठ रही है ना, जब आप अपने भाई और भाभी के घर में ऐसी घटिया चीज़ें सोच सकती हैं तो उस घर में आपकी कितनी गलती रही होगी, अब समझने में कोई दो राय ही नहीं, क्योंकि आपका दिमाग उथला है, छोटी छोटी बातों का आप इशू बनाती हैं। जब उस घर में बनाती थी तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, पर जब आप अपने भाई की बीवी के साथ ही बनाने लगी तो लोगों को समझ में आ गया कि कमी तो इस लड़की में है, क्योंकि यह लड़की किसी से भी नहीं निभा रही है। अब जिज्जी ने भी बोला कि उनके किसी नियर एंड डियर ने बोला कि तो किससे नहीं निभा पाए, ना सास से, ना ननद से, और ना ही अब अपनी भाभी से, ना माँ से, ना बहन से, है ना, तो तेरे अंदर ही कमी है। लेकिन जिज्जी कहती है कि हमने तो जिसके साथ भी रिश्ता लिया अच्छे से निभाया, लेकिन सामने वाले ही नहीं ने उसका गलत फ़ायदा उठाया। हमारी जिज्जी कभी अपनी गलतियों को देख ही नहीं पाएगी, उसको लगेगा कि ना जी वो सबसे परफेक्ट है, सबसे सही है। तो इसमें देखिए
पर एतिन का कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि उसको हमेशा से अपने आप को सही समझने का एक अंदर जो चस्का लगा है। ऐसे लोग हमेशा गलत होते हैं क्योंकि इस गोले में पूरा इंसान कोई निपुण हो ही नहीं सकता। हम सब में बुराइयां हैं। हम कहते हैं ना जी, हम में कोई बुराई नहीं, हम बिल्कुल सही हैं, हम बिल्कुल ऐसे हैं, तो ये हमारी गलत फहमी हो सकती है, इसके अलावा कतई कुछ नहीं। एक इंसान पूरे तरीके से गलत नहीं हो सकता, लेकिन परेतिन पूरे तरीके से सही हैं? इम्पॉसिबल। दर्शकों, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अभी जो ये चल रहा है, नो डाउट ये कंटेंट ज़्यादा है और इसमें खुन्नस भी हैं भाभी को लेकर। मैं ये नहीं कहूँगी ये पूरा ये सिर्फ कंटेंट के लिए है, कुछ चीज़ें हैं बग्गी को बोली जो इनको बुरी लगी है ना, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ये जानबूझ के ऑन कैमरा करते हैं कि चलो इस चीज़ को हम कंटेंट बना लेते हैं, डॉलर बना लेते हैं। नहीं चाहें तो ये ऑफ कैमरा ही बातें कर सकते हैं, लेकिन ऑन कैमरा ये सारी बातें क्यों करते हैं? क्योंकि मौका है दस्तूर है, डॉलर फिर काहे दूर है। इसलिए तो भाई, ये 2 दिन पहले रसोइयाँ अलग हो गई थी, अब जिज्जी ने बोल दिया रसोइयाँ फिर से एक में है। रसोइयाँ कतई अलग नहीं है। मम्मी जी बग्गी का गुणगान कर रही हैं, छुटकन्नी जिज्जी भी मार बग्गी और बग्गा का वीडियो बना रही, लेकिन बग्गी के बारे में कतई कोई बात नहीं करी उसने। उसने बाकी हर चीज़ बग्गी का वीडियो बनाते वक्त बोला, लेकिन बग्गी के बारे में ना बात करी। तो ये है इनकी सच्चाई। बाकी आप सबको क्या लगता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करिएगा।